एक वेट वेट वेट, इनको मैं टेम करने वाला हूँ। ओके हाँ पड़ी इसके, हाँ एक तो अनकॉन्शियस हो चुका है, दूसरा हे व्हाट्सअप गेमर्स, क्या हाल चाल, एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आर्क सर्वाइवल इवोल्व्ड में। तो लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि हमने एक नहीं बल्कि दो दो यहाँ पर ट्राइसेटॉप्स को टेम किया था। एक का नाम हमने रखा ट्राइक जो कि है मेल, एंड ये ना लेवल 2 का है, और जो ट्राइस है ये लेवल 19 का है एंड 19 की है, मतलब ये फीमेल है। तो दो हमने ट्राइक्स टेम कर लिए, एक का नाम ट्राइक एंड ट्राइस, भाई काफ़ी अच्छा नाम रखे हमने। एंड अभी ना मैंने इन दोनों को यहाँ पर खड़ा कर दिया है क्योंकि हमारे पास जो है इनको राइड करने के लिए सैडल नहीं है। तो फटाफट से हमें क्या करना है, सबसे पहले बनाना है इनके लिए सैडल, एंड उसके बाद जो है हमें इनको राइड करना है, थोड़ा सा इनको ट्रेन करेंगे एंड देखते हैं कि यार ये कितने ज़्यादा जो है काम के हैं। सो अभी एक काम करते हैं, सबसे पहले ना हमें इनके लिए जो है सैडल तो बनाना है, बट उससे पहले ना हमारे पास जो है दो पॉइंट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमारे पास हेल्थ 120 हो चुकी है, स्टेमिना भी 120 हो चुका है, ऑक्सीजन फूड ठीक है, वाटर वेट 220 काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। क्राफ्टिंग स्किल को हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर 110 हो चुकी है। एंड दूसरा पॉइंट मेरे हिसाब से इसी पर रखते हैं क्योंकि सारे ना एक बार जो है मैं सोच रहा हूँ कि 120 कर लेते हैं। वैसे क्राफ्टिंग स्किल यार 110 ठीक है यार, ज़्यादा मतलब ज़्यादा हो जाएगा ना। मूवमेंट स्पीड थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं हम ताकि हम ना थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट चलें, मे भी मेले डैमेज बढ़ा देते हैं। ओके हमारे पास ना 89 एनग्राम्स आ चुके हैं एंड लेवल भी जो है हम अप हो चुके हैं। तो देखते हैं नई चीज़ें कौन सी अनलॉक हुई हैं। सो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है यहाँ पर अनलॉक हो चुकी है एंड हम लेवल 28 पे आ चुके हैं। स्टोन के स्ट्रक्चर्स मतलब स्टेयरकेस, रेलिंग्स, हैंड कप्स, भाई काफ़ी ज़्यादा यार, पियर ट्रैप्स, स्टोन फायरप्लेस भी है, भाई काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है अनलॉक कर ली है हमने। बट इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए वो हम बाद में देखेंगे। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे चाहिए ट्राइक का सैडल जो कि 12 एनग्राम पॉइंट में जो है अनलॉक हो जाएगा। तो इसको अनलॉक कर लेते हैं एंड इसको बनाने के लिए हमें चाहिए क्या क्या चाहिए, लेट्स सी। ओके हमें चाहिए फाइबर 121 हमारे पास पड़ा हुआ है, 80 चाहिए, एंड हाइड हमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए, वुड हमारे पास पड़ी हुई है, वो तो यार वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इसलिए मैं साथ में नहीं रखता हूँ, तो बाद में लेके आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर हाइड मुझे 140 चाहिए, भाई काफ़ी ज़्यादा हाइट चाहिए यार, तो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कत्लेआम मचाना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले एक स्पीयर और बना लेते हैं हम, थोड़ी सी लकड़ी यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं एंड क्राफ्ट कर लेते हैं अपने लिए एक स्पीयर को, और ओके फ्लिंट भी चाहिए होगा हमें, फ्लिंट मेरे पास था तो सही, हाँ ये रहा, चलो एक स्पीयर और क्राफ्ट कर लेते हैं एंड इतनी सी लकड़ी ना अपने पास रहने देते हैं मेरे हिसाब से। तो ओके सो मुझे ना एक चीज़ और करनी थी ना, मुझे ना बहुत सारे जो है यहाँ पर वेट अपने पास ना यहाँ पर एक मेटल की पिकैक्स तो है बट मेटल की एक्स यार हैचेट बोलो एक्स बोलो वो हमने नहीं बनाई है। तो एक सेकंड क्या हुआ इसको, इनकी इन्वेंट्री मैंने खाना तो रख दिया है, आप लोगों ने बोला था कि ये बेरीज खाते हैं तो इनके लिए मैंने बेरीज रखी हुई है एंड बस इस बार मुझे ध्यान रखना है कि ये स्पॉइल ना हो जाए। 31 मिनट इसमें है एंड 29 मिनट इसमें है क्योंकि इन दोनों डायनोज को तो मैंने टेम कर दिया बट हमारे पुराने परी एंड टर्टल दोनों जो है पता नहीं डिस्पॉन हो गए, क्या दिक्कत हुई उनको। ओके यहाँ पर और ट्राइक्स हैं बट अब मुझे ट्राइक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि यार ये मेरे ऊपर अटैक ना कर दे क्योंकि पहले भाई जैसे मैंने एक ट्राइक के ऊपर अटैक किया दो दो ट्राइक मेरे पीछे पड़ गए थे एंड फिर जो है दोनों को हमने टेम किया एंड अभी ना इससे हमें काफ़ी अच्छा खासा जो है हाइट मिल जाएगा। ओके हमें तो ना डोडो से ना अच्छा खासा जो है हाइट मिल रहा है, इनको मारना अच्छा नहीं लगता यार, बहुत ज़्यादा जो है स्वीट है बट फिर भी यार क्या करें, अब गेम है तो करना ही पड़ेगा। ओके सामने की तरफ एक और डोडो है तो इसको भी हम निपटा ही देते हैं, चलो काफ़ी ज़्यादा जो है हमें हाइट मिल तो रहा है। वैसे देखते हैं इन्वेंट्री के अंदर चल के 125 हाइट हो चुका है, क्राफ्टिंग देखते हैं कितना चाहिए, ओके 140 चाहिए। सो बहुत जल्दी जो है हमारी नीड जो है कंप्लीट होने वाली है।
ओके एंड ये सीरीज ना आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जाके जरूर से बताना, एंड वीडियो जो है पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर से कर देना। इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो तो कर रही है आपको, उसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। ओके 150 हमारे पास हाइड हो चुके हैं, एंड वहाँ पर वो कौन सा डाइनो है यार? हाँ मेरे पास एक सेकेंड, हाँ इनको ना मुझे टेम करना है, बट ए वेट वेट वेट, इनको मैं टेम करने वाला हूँ। ओके हाँ पड़ी इसके, हाँ एक तो अनकॉन्शियस हो चुका है, दूसरा ओके दूसरा भी अनकॉन्शियस हो चुका है। अब पता नहीं ये क्या खाते हैं, पुट फूड इन इन्वेंट्री, ओके यही डाल देते हैं फूड इनकी इन्वेंट्री में। ओके तो ओके ये कॉम्पीज हैं, हाँ फिर से उठ गया यार ये तो, चल निकल यहाँ से। एक सेकंड क्या हुआ, फिर से उठ गया, ओह शिट नहीं यार भाई, अच्छा खासा मैं इनको टेम कर रहा था एंड ओके फिर से रिपेयर कर लेते हैं इसको भाई, मैं इसको टेम करने वाला हूँ, कम ऑन एक को तो मैं टेम करूंगा कम से कम। ओके गया ये, हाँ अनकॉन्शियस हो चुका है, अब पता नहीं ये खाते क्या है यार मुझे नहीं पता। एक काम करते हैं ट्रांसफर करते हैं, सारा नहीं करते यार दिक्कत हो जाएगी। ओके अभी देखते हैं, नहीं यार ये तो अनकॉन्शियस बहुत जल्दी जो है उठ जाएगा वापस से। भाई अनकॉन्शियस तो मैं इनको कर रहा हूँ, बट मुझे लग रहा है इनके लिए ना मेजो बेरीज की ज़रूरत है या फिर नार्कोटिक्स की ज़रूरत है इनको, हो सकता है लेट्स सी देखते हैं, नहीं तो फिर मुझे इनको मारना ही पड़ेगा। मुझे ना नार्कोटिक्स लेके आना चाहिए था भाई, कहाँ गए, कहाँ पे बेहोश किया था मैंने उनको। अरे यार ये तो काफी ज्यादा, ओके ये रहा, आ जा बेटा अब मेरे पास थोड़े बहुत यहाँ पर बेरीज आ चुकी हैं। ओके गया ये, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी, हाँ अभी देखते हैं। अरे यार मर गया यार ये तो भाई, कितनी देर हो गई थी इसको मारते मारते, मरना तो था ही इसको, बट इससे हमें हाइड काफ़ी ज़्यादा मिल गया, एंड ये मेरा आइटम भी, अच्छा आइटम तो नहीं है, जो हमने बेरीज रखी थी ना ये वो है। सो मेरे हिसाब से तो इनको टेम करने के लिए ना मुझे नार्कोटिक्स की ज़रूरत पड़ने वाली थी, बट चलो कोई नहीं, नार्कोटिक्स तो मैं नहीं लेके आया हूँ। एंड मुझे ना अपना घर भी जो है अपग्रेड करना है, अब पता नहीं इसमें यार मेरे को पता नहीं टाइम ही नहीं मिल रहा है यार, इतनी सारी चीज़ें इसमें करने को तो घर को अपग्रेड करने का टाइम नहीं मिल रहा है, बट बहुत जल्दी जो है हम अपग्रेड कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी वुड की ज़रूरत है थोड़ी सी, एंड मुझे पानी की ज़रूरत है अभी, तो भाई पानी पियो फटाफट। ऑलराइट पानी पी लिया मैंने, थोड़ा सा खाना भी खा लेते हैं, लेट्स गो अभी चलते हैं घर के अंदर, एंड थोड़ी सी यहाँ से लकड़ी लेके आ जाते हैं, लकड़ी इसके अंदर पड़ी थी थोड़ी बहुत, तो 25 चाहिए ना, चलो कोई नहीं बाकी की वापस रख लेंगे, एक काम करते हैं स्प्लिट कर ही लेते हैं, वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है यार इनमें तो। अभी एक काम करते हैं, बना लेते हैं अपने लिए ट्राइक का सैडल, लेट्स गो, एंड एक ही बना रहा हूँ मैं, एक बाद में बना लेंगे, दो की ज़रूरत पड़ेगी वैसे, बट अभी मेरे हिसाब से ठीक है। ऑलराइट सबसे पहले मैं ना इस फीमेल जो है ट्राइक उसको टेम, यार टेम टेम क्यों बोल रहा हूँ, मैंने टेम तो इनको कर दिया है मैंने, बट इसको ना मैं जो है राइड करने वाला हूँ, क्योंकि लेवल 19 की, एंड ये कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है रेड कलर। सो सैडल ऑप्शन ये रहा, एंड यहाँ पे रखते हैं सैडल, एंड अब भी ना हम इसको राइड कर सकते हैं, लेट्स गो लेट्स सी यार वो, एंड ये ना फाइट में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, ये देखो भाई इसमें हम कहीं पे भी जा सकते हैं, एंड इनके क्या एबिलिटी क्या है, ओके राइट क्लिक दबाने पर ये एकदम चार्ज हो रहा है, एंड इस तरह से हम जो है ये भाई काफ़ी ज़्यादा देर हो गई इसको दौड़ते दौड़ते, भाई बहुत तगड़ा चार्ज हो गया यार ये तो, इतनी सी देर में हम यहाँ पे आ गए। ओके तो मैं ना अब इस आइलैंड को जो है, वेट
वहां पर सामने की तरफ कौन सा डायनो है, वहां पर पहाड़ के ऊपर भाई उसकी गर्दन देखो यार, कितनी ज्यादा जाइंट है। ओ गॉड, मुझे लग रहा है कि यार ये टीरेक्स नहीं है यार, रेक्स तो नहीं है, बट चलो कोई नहीं, अभी यहाँ से एक काम करते हैं, आगे चलते हैं। एंड नाइट, ओके नाइट यहाँ पर, ओके हमें काफ़ी ज़्यादा थैच भी मिला है इससे, मतलब थैच हम निकाल सकते हैं इससे, ये भी ठीक है। ओके ना इसको राइड करना यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड बट यहाँ पर नाइट होने वाली है, मॉर्निंग होती तो हम थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लोर भी करते, बट मैं ना अभी एक्सप्लोर करने का ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकता, अगर ये मर गए ना तो वापस से इनको टेम करना पड़ेगा। एंड मुझे इनकी जोड़ी ना काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छी लग रही है, तो अभी के लिए तो रहने देते हैं इनको हम। इसको हमने एक सेकेंड, खाना वाना सब बराबर है ना, अरे यार एक सेकेंड, इसको रहने देते हैं। ट्राइक का क्या सीन है, इसको थोड़ा सा लेवल अप करते हैं हम। सो स्टेमिना, हेल्थ, फूड, वेट 365, काफ़ी ज़्यादा है वेट, तो थोड़ा सा ना हम यहाँ पर स्टेमिना 150 है इसका, एंड इसका क्या है स्टेमिना, वेट एक्सेस इन्वेंट्री 195, ठीक है। तो फूड 379, ये ऑटोमेटिक ही जो है लेवल अप होते रहेंगे। सो हमारे पास 3 पॉइंट है, एंड उसके ऊपर मैं ज़्यादा पॉइंट वेस्ट करूँ उससे अच्छा है कि ट्राइस के ऊपर भी लगा सकते हैं हम, तो वैसे भी नाइट होने वाली है, एंड इसको थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। मैं बढ़ाने वाला हूँ इसकी हेल्थ काफ़ी है 450, तो स्टेमिना, ओके भाई क्या गुस्सा आया है इसको यार, मतलब लेवल अप हुआ है। अरे यार फिर से मैं डायरेक्ट ये दबा देता हूँ। हाँ इसको मैं वापस इन्वेंट्री के अंदर चलते हैं, एंड हेल्थ ठीक है, स्टेमिना, वेट, ओके डैमेज इसका थोड़ा सा बढ़ाना है मेरे को, एंड एक मूवमेंट स्पीड बढ़ानी है, एंड एक बढ़ाना है इसका डैमेज। ओके ट्राइस जो है लेवल 22 की हो चुकी है, एंड काफ़ी ज़्यादा लेवल अप हो चुकी है यार, एंड नाइट होने वाली है यहाँ पर, एंड नाइट, ओके हम जो है लेवल 28 पर हैं अभी, एंड हमारे पास जो है 77 एनग्रेम्स हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि हम और क्या क्या जो है यहाँ पर अनलॉक कर सकते हैं। एंड मुझे ना अब कुछ और भी जो है, अब एक तो दो काम करने हैं मुझे, एक अपना घर अपग्रेड करना है, एंड उसके साथ ही जो है स्पाइक वॉल तो पता नहीं अब क्या यूज़ होगा उसका, मुझे एक काम और करना है, फर के जो है आइटम हम अनलॉक तो कर दे, बट इसमें बहुत ज़्यादा जो है इनगट लग रहे हैं मेटल के वो भी, तो इनको रहने देते हैं। स्टोन की वॉल अनलॉक कर लेते हैं क्योंकि अब मैं स्टोन का घर बनाने वाला हूँ। स्टोन फाउंडेशन, स्टोन की सेलिंग, एंड स्टोर की डोर फ्रेम, उसके अलावा स्टोन के स्टेयर्स, ठीक है स्टोन के काफ़ी ज़्यादा आइटम्स हमने जो है अनलॉक कर लिए हैं, एंड 45 जो है एनग्राम्स अभी भी है हमारे पास। पेडेस्टल, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या काम आएगा, वाटर जार है यहाँ पर, स्टेको का सेडल है, सेडल जितने भी है अनलॉक कर लो। के ऊपर एक सेडल और था ना रैप्टर का शायद से, हाँ ये रहा रैप्टर सेडल मैंने अनलॉक कर लिया। 21 हमारे पास और बचे हुए हैं, तो मैं देख लेता हूँ और कौन कौन से यहाँ पर सेडल हैं, तो एक भी सेडल नहीं बचना चाहिए। फियोमिया का सेडल है एक, यहाँ पे तो मैंने सारे अनलॉक कर दिए थे स्टार्ट में, मैं सारे जो है अनलॉक करते हुए आ रहा था। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, चलो अंदर चलते हैं यहाँ पर, एंड बाहर कोई अटैक कर दे उससे तो अच्छा ही है कि अंदर ही बैठे रहे हम। तो यहाँ पर और कौन कौन सा सेडल है, लेट्स सी आप पेची का सेडल है एक, ये अनलॉक कर दिया है मैंने। उसके अलावा अभी हमारे पास सिर्फ 6 जो है एनग्राम पॉइंट्स बचे हुए हैं। सो यहाँ पर हेच मैंने अनलॉक कर लिया था, ओके एक्वस का सेडल है जो कि 22 का है, चलो कोई नहीं इसको बाद में देखते हैं। एक मुझे वोल्ट टॉर्च भी चाहिए थी, बट हमारे पास पॉइंट्स नहीं है अभी एनग्राम पॉइंट्स। क्रॉसबो अनलॉक करनी थी यार मेरे को, अरे यार इसको कैसे मिस कर दिया मैंने, क्रॉसबो एंड पाइक कर सकते हैं हम, तो स्पीयर की जगह ये काम आ जाएगा। चलो कोई नहीं अब नेक्स्ट जब थोड़े बहुत हमें पॉइंट्स और इकट्ठा करने, बट अभी तो नाइट है यार, नाइट में बाहर घूमना जो है दिक्कत का काम है, तो मॉर्निंग होने देते हैं एंड उसके बाद खुद को थोड़ा सा और जो है अपग्रेड करेंगे। ओके तो अभी भी ना बाहर जो है नाइट ही है, लेकिन यहाँ पर मैं अपने इन्वेंट्री में देख रहा था कि यार मैंने अपने रिफाइनिंग फोर्ज के अंदर जो है
दो यहाँ पर मेटल पहले से डाल रखे थे, बस उसको जो है इनगट में जो है मैंने रिफाइन नहीं किया था, तो एक इनगट हमें और मिल गया है, तो इसको निकाल लेते हैं यहाँ से एंड अभी चलते हैं जल्दी से जो है हमारे टेबल पर स्मृति पर। सो यहाँ इसके अंदर 7 पहले से पड़े हुए हैं, एक ये रहा हमारे पास 8। शायद से हम अब जो है हम एक सेकेंड मेले के अंदर जाते हैं, हैचेट हम बना सकते हैं, बस हमें एक वुड और चाहिए होगा। तो ये रहा वुड एंड ये बन गया हमारा मेटल का हैचेट। ओके सो मेटल का हैचेट हमने बना दिया है एंड अब मुझे क्या करना है, पाइक को बनाना है जो कि स्पीयर की जगह लेगा। ओके ये फेंका नहीं जा सकता, लेकिन इसकी ना वेपन डैमेज काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, बट इसके लिए ना हमें 10 जो है इनगट चाहिए होंगे, तो मुझे मेटल काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा करके लाना पड़ेगा एंड उसके साथ ही यहाँ पर जो है ओके मेटल का सिकल हम बना सकते हैं, इससे हम जो है हार्वेस्ट कर सकते हैं फाइबर एंड सीड भी जो है हार्वेस्ट कर सकते हैं प्लांट्स के अंदर से। सो ये भी काम की चीज़ है, ये क्या चीज़ है, लेंस है, एक वेपन नहीं है, बट चलो कोई नहीं, अभी तो इसको निकाल लेते हैं एंड यहाँ पर मेरे पास हाइड भी पड़ा हुआ है, वैसे हाइड निकाल लेते हैं यहाँ से। वेट हाँ डोडो की मुझे ना इन्वेंट्री एक्सेस करनी है एंड ओके इसके पास खाना नहीं है, थोड़ा सा खाना डाल देते हैं इसके लिए ताकि ना ये एक ओके खाना खा रही है ये, चलो काफ़ी सही। हाँ इस ओके हेल्थ फूड सब ठीक है इसका, कोई नहीं चलो एंड खाना खाते ही भाई निकाल भी दिया इसने, चलो कोई नहीं वो तो ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन्वेंट्री के अंदर चलते हैं एंड पुराने हैचेट को रिप्लेस कर लेते हैं हमारे नए वाले हैचेट से। तो कैन बी रिपेयर्ड एट स्मृति, ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है एंड डैमेज वैमेज तो पता नहीं क्या है, बट इससे ना हमें जो है कुछ तो बेनिफिट मिलेगा एक्स्ट्रा एंड बाहर जो है बहुत ज़्यादा जो है आवाज़ कर रहे हैं डाइनोस। सो हाँ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, मुझे लगा यार कोई फाइट वाइट हो चुकी है यहाँ पर, बट कुछ भी नहीं है। सो हमारे पास जो है हैचेट जो है अपग्रेड हो चुका है एंड पिकेक्स भी अपग्रेड हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा जाने वाला हूँ यहाँ पर एक्सप्लोरेशन के लिए, या फिर जो है मैं कुछ खतरनाक डायनोज को जो है टेम करने वाला हूँ। अब वो कौन से डायनोज होने वाले हैं वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही। आज की वीडियो में हमने इसके ऊपर ही बैठ जाते हैं यार, फिर बात करते हैं। सो आज के वीडियो में हमने जो है यहाँ पर हमारे ट्राइक को टेम किया, टेम तो लास्ट वीडियो में कर लिया था। तो एक सेकेंड ट्राइसोटॉप्स के फिर जो है लेवल फिर से इसको ऑप कर सकते हैं, लेट्स सी। एक पॉइंट हमारे पास और है तो मेले डैमेज बढ़ा देते हैं इसका। राइट लेवल 23 एंड शी इज एंग्री। चलो एक काम करते हैं फिर से चलते हैं। ऑलराइट सो आज के वीडियो में हमने बनाया ट्राइक्स के लिए सैडल एंड भाई इसको राइड करना नाइट के मौसम में कितना ज़्यादा जो है ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है एंड या ये वीडियो मैं करता हूँ यहीं पे एंड। थोड़ा सा हमने खुद को अपग्रेड किया, ट्राइक्स को अपग्रेड किया एंड ट्राइक्स को राइड भी कर रहे हैं, तो ये वीडियो यहीं पे करते हैं एंड। आई होप कि आप लोगों को आज की जो है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए होते आप सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।